वादे पर खरी उतरी हिमाचल की कांग्रेस सरकार, कैबिनेट की पहली बैठक में ही दी खुशखबरी। ओपीएस बहाल, जाने किसे मिलेगा फायदा। लोहड़ी का त्योहार हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया है। हिमाचल में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में सुक्खू सरकार ने चुनावों के समय किया गया अपना वादा पूरा कर दिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक में ही कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का फैसला लिया। किसे मिलेगा ओपीएस का लाभ। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 2,75,000 है। आंकड़े बताते हैं कि इनमें से करीब 1.5 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत आते हैं। ओपीएस में पेंशनरों को कर्मचारी के रूप में अंत में ड्रॉ किए वेतन का 50% ही मिलता है। इसके विपरीत एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14% भाग डालती है। हिमाचल प्रदेश में 2003 से पहले नियुक्त 1,90,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। इसके बाद नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ही पेंशन मिल रही है। अब ओपीएस लागू होने के बाद सभी को ओपीएस के तहत ही फायदा मिलेगा। उधर इस फैसले के बाद प्रदेश सचिवालय के बाहर कर्मचारी सुक्खू जिंदाबाद के नारे बुलंद करते नजर आए। एनपीएस कर्मचारी वाद्य यंत्रों के साथ सचिवालय पहुंचे और परिसर में खूब नाटियां डाली। कैबिनेट में ओपीएस के एजेंडे को मंजूरी दिए जाने की सूचना मिलने के बाद इन कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।